memory of Group Captain Randhir Singh. Kashmiri parties also didn't say much, abided by this. Kashmir 1947, along with Colonel Ajay K. Rai. He is immortalized in the sonnet by Kumar Vyogi, Jammu's other legendary son. Ode to General Govardhan Singh. General Govardhan Singh, a determined man, has wonders done single-handedly. Very rarely some individuals can do such work to tell it candidly. A very handsome, simple village boy, by his deeds reminds us of Zorawar. His simplicity and insurgency, हाँ वीरों को बहुत सम्मान देते हैं, पर एक आदमी का नाम उस पूरे हिस्ट्री में से मिसिंग है. हिंदी आना, हिंदी सोच करनी, पर डोगरी के अंदर डोगरी ही होती है ना. आदमी अंदर दिलै की आवाज कढ़ने वास्ते डोगरी ठीक है. सारे को पहले मैं कुमार बियोगी ट्रस्ट पूनम जी गोवर्धन जी and Rishman pillars of the Dogra Uthan, this intellectual bhi apne yahan se bade usne kine shuruaat kiti ne follow kara na bade der da Delhi da shuru kita ne kaam dikha shayad Jammu as aunde ne dikha da arbani pe da bade pe jal thai ne number as ne bhi pe diya kitni aame ne message dete मगर कोई इंटरेस्ट नहीं है. सही और शायद ये वजह है कि साड़ी इंस्टीट्यूशन ना आने को है, क्योंकि असं सुनते गए नहीं, पढ़ते गए नहीं. तो जे पढ़ते नहीं तो सुनते नहीं तो कोई थोड़े बारे गलत भी लिखा तो तुम्हें क्या पता, अतराज भी नहीं करते. ये वजह कि मैं भी गया ने ठीक है कि मैं लंदन गया लेक्चर देता उत डोगरा स्पीक आउट महाराजा गुलाब सिंह जी को ली है, जनरल जोरावर सिंह जी को ली है, जनरल बड़े साढ़े को इतने जनरल इतने बहादुर हैं. कहीं अगर गुलाब सिंह तो सारा दिन उनकी बहादुरियां सुनते रहोगे. 101 साल अस लड़ते रहे. जनरल जोरावर सिंह 22 रियासत पता कीतिया लद्दाख दियाँ, 22 पता कीतिया गिलगित बल्तिस्तान, 44 रियासत. 200 हिंदुस्तान की कोई ऐसा राजा नहीं, कोई ऐसा जनरल नहीं जिसने हिंदुस्तान की 44 रियासत निभा लिया था पार. पता करिए 101 साल राज करिए, कंसोलिडेट करिए, जिसने हिंदुस्तान बटा था ना तो उसे जोड़ी हुई है. टॉक अबाउट डोगरा हिस्ट्री, इट्स कल्चर. And also, in the larger interest, what effect it has over the overall political, cultural scene of the country. So idea is that only. And plus, this trust that we've got, basically it is absolutely dedicated to J&K. And especially Dogras and Dogra culture, cuisine, literature. National history, matlab hamare nation ki history rahi hai. उसको बेसिकली बहुत बड़ा उस पर अटैक हुआ. और जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस और जिस प्रकार का रहा यहाँ पर पॉलिटिकल सेटअप रहा है और उनका एक उस पर जो डोमिनेशन रही है, उसके कारण ना तो बिल्कुल भी जो नेशनल हीरोज़ थे हमारे उनको इग्नोर ही किया नहीं किया गया, उनको एक विलेन के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया. अभी 23 सितंबर को हमने महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन मनाया है. अब हिस्ट्री को पढ़े, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, और हमने देखा है कि उनको एक विलेन के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया कि वो एंटी पीपल थे, एंटी मुस्लिम थे, इस प्रकार की बात. आज जो है पहली बार जब छुट्टी डिक्लेयर हुई 23 सितंबर को, तो उस प्रकार की चर्चा शुरू हुई है कि आज लोग उनको जानना शुरू हुए हैं. मैं अभी पढ़ रहा था, अभी हाइफा डे मनाया जा रहा है, जो हमारी जोधपुर लांसर ने जाके हाइफा को कैप्चर किया था. मैसूर लांसर्स भी थे और उन्होंने किया. मुझे हैरानगी हुई, अब सरप्राइज, कि मेजर दलपत सिंह और वो जो लोग वहाँ शहीद हुए उनका इसराइल के सिलेबस में उनको पढ़ाया जाता है. और वो महाराजा जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, वो महाराजा जो उनसे बड़ा कोई मतलब नेशनलिस्ट
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की स्पीच हमारे ध्यान में है। उन्होंने जिस प्रकार से सोशल रिफॉर्म्स किए 1932 में, जिस प्रकार से हरिजी ने को टेम्पल एंट्री दी, यहाँ के जो अधिष्ठाता थे रघुनाथ मंदिर को, उन्होंने रिजाइन कर दिया, ही एक्सेप्टेड हिज रेजिग्नेशन और उसके बाद एंट्री दी। मुस्लिम एजुकेशन के लिए जो किया, जिस प्रकार से जो है यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल्स खोले मौलवियों के लिए, स्कॉलरशिप दिए हरिजनों के लिए, महिलाओं के लिए, वो इतना मतलब ही वॉज फार हेड ऑफ हिज टाइम्स।